हेलो उबा तो कौन देखियो बेटा मेरो चश्मो देखियो के बापू दिन के शुरू हो गया। मैं कौन देखियो मन्ने मत दुखी करो मैं दुखी हो रहो तारो बेटा ठई दे रहे हो तू ढूंढ देने मेरो कौन देखे जब बापू मैं काम का लाग रहे हूं देखो के बात करूं बेटा तर के भूल गई दिखे भी कोनी ए चंपा को रोज को ए चंपा देख के दिए पापा जी को तो रोज को काम है यो एक दिन को थोड़ी ना है। मैं तो रोटी बनाऊ मेरकन कौन टाइम दे ढूंढ दो जल्दी सा सामान खिला दूंगा मेरो और काम बढ़ा दूंगा। ये देखो चंपा बेटे की वाइफ है बेटे की पत्नी बल्ली तो इन्हें भी ना चश्मो दे दियो और फिर सारे घर ने दुखी करो रखो यो पड़ो दिखे कौन जमा अंधा गन्यू बेटा बुढ़ापा है। हाँ बुढ़ापे में यही हालत होती है। लो पापा मन ने गणित को सवाल को नहीं आवे ते कर दियो ने। अरे बेटा तू करे करेगो जदि तो तू सीखेगो जाकर ठीक है। अब ये बच्चा करेगा गणित का सवाल। हाँ पापा ये आ गयो मन आ गयो ये अरे बेटा बच्चे को गणित का सवाल आया तो खुशी हो गई और खुशी में गिर भी पड़ा। संभाल के बेटा लागी के ना पापा को नहीं लागी ठीक हूँ मैं। अरे कई दिन हो गया भाई लो मिलिया कई दिन हो गया और सुना रामू ठीक है सब। हाँ है यार ठीक ठाक है बता है तो के कर यार यो उरे बापू गए लो रियो दुकान में सेठ कौन जीण दे। अरे तो आते बीमारी क्यों बन रखी है पापा दो मिनट हाँ सुनो बंद कौन कर सको छोरो आ रहे हो बात कर ले। अरे मैं तो मेरा माँ बाप ने घराऊ कदी बाहर ने काटा तू भी काट दे बाहर ने काट दिया मतलब है वर्द आश्रम चाचा यो वर्द आश्रम क्यों है। वर्द आश्रम हो है बुढ़ा पापा परेशान हो जाए उनकी छोटी छोटी बातों ध्यान रखना पड़े जहाँ तेरे दादू तेरे पापा परेशान है ना जब आप वर्द आश्रम छोड़ा। अरे यार या बात तो सही बताई मेरे पल्ली दिमाग में क्यों को नहीं आई मैं भी बैठू हूँ समस्या आई अब तो आ गई ना आपके दिमाग में। अरे ठीक है तो यार रामू मन खेत में काम में चालू ठीक है मैं भी दुकान में जाऊंगा। घंटी का पापा टिप्पण तैयार है दुकान में जाने के लिए तैयार हो जाओ बेटा घंटी तेरा स्कूल को टाइम हो गया है टिप्पण बैग में गाल दे स्कूल में चले जा ठीक है मम्मी। अब घंटी तो स्कूल के लिए तैयार हो गया। ए चंपा मेरे चश्मा देखी के आड़े ही पड़े हो गो इन्हें भी ना देख लो बेटा घंटी तेरे पापा को चश्मा ढूंढ के दिए के पापा तारो रोज को नाटक हो रहे हो गलती होगी। जैसे को तैसा जैसा बेटा करेगा उसके भी बेटे हैं वो देख रहे हैं कि माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। अब आपके सामने ये संदेश भी देंगे और छोटा सा डांस भी दिखाएंगे। जो माता पिता बच्चे का बड़ी लाड़ चाव से पालन पोषण करके उसे लायक इंसान बनाते हैं और वही बच्चा बड़ा होकर अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करता और कदर भूल जाता है तब बूढ़े माँ बाप की आत्मा रोती है। माँ बाप हुस्न जवानी जीवन में कभी किसी को फिर से नहीं मिलते इंसान को शिक्षा देता यह भजन क्या शिक्षा दे रहा है आइए सुनते हैं इस गीत के माध्यम से।